मौजूदा में कोरोना महामारी में कई लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हो रहे कोरोना मरीजों की तीमारदारों के लिए सेवा भारती की नाहन इकाई ने निशुल्क भोजन की व्यवस्था शुरू की है। मीडिया से बात करते हुए सेवा भारती नाहन इकाई के प्रमुख मानव शर्मा ने बताया कि देश भर में सेवा भारती द्वारा कोरोना काल में सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाहन में सेवा भारती द्वारा जहां कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों के तीमारदारों के लिए निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई, वहीं शहर में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए भी भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जी, ये राष्ट्रीय स्वयं संघ के आह्वान और मार्गदर्शन पे सेवा भारती के माध्यम से देश भर में सेवा कार्य चल रहे हैं। इसी कड़ी में नाहन इकाई की जो उसमें आज से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी, जो कोविड पेशेंट के साथ उनके सहायक या सहयोगी आते हैं। इसी के साथ सेवा भारती जो है उन्होंने जो कोविड में आइसोलेशन में रहे हैं उनको निःशुल्क भोजन, दवाई और अगर उन्हें कोई चीज़ की सामान के लाने की आवश्यकता पड़ती है तो आशा वर्कर के साथ समन्वय बना के ये कार्य किया जा रहा है। अभी तक हमने 8 लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर दिया है, 10 लोगों को ब्लड दे रहे हैं। रक्त सेवा, आपके भोजन व्यवस्था या डॉक्टर परामर्श करने की जो, तो हमने इसके लिए सेवा भारती का एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है और अपने नाहन शहर को 13 अलग हिस्सों में बांटा गया है। हर वार्ड में हमारा एक प्रमुख है जो अपने वार्ड की समस्या और जानकारी हमें प्रोवाइड करता है और हम उनकी फिर जिस तरह की उचित सहायता होती है वो सहायता देते हैं। आगामी इसके साथ में हम शहर के सैनिटाइजेशन और शहर के अंदर में एक अनुकूल वातावरण रहे इसके प्रति कार्य करेंगे।